वैदिक प्रार्थना कराना शुरू किया है, माने भक्ति मार्ग की तरफ जा रहे हैं अब। हाँ, और दूसरा है आंध्र प्रदेश में एक मुस्लिम लड़की है करीम नगर से, हाँ जी, वो गीता को कंटेस्ट करके वो अवार्ड जीत रही है। अच्छा, तो कोई सोल तो नहीं प्रवेश हुई है, परम धाम से आई हुई है, है? क्या मुस्लिम लड़की में ऊपर से आने वाली सोल प्रवेश नहीं कर सकती? कर सकती है, गीता भी सुना सकती है। रही अमेरिका वालों की बात, तो जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तो आदमी रास्ता ढूंढता है, आखिर क्या करें? द्वापर युग में देवताएं बहुत दुखी हो गए, द्वापर के आदि में देवताएं जब ज्यादा दुखी हो गए उन्होंने रास्ता निकाला भक्ति मार्ग का। भगवान ही आसरा होता है, किंतु मोस्टली तो नास्तिक बनते चले जा रहे हैं अहंकार के कारण, क्रोध के कारण। अब आतंकवादियों ने ऐसा उनको निशाना बनाया हुआ है कि उन्हें रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है, क्या करें? इनका जवाब क्या दें? भक्ति की तरफ मुड़ गए, कोई बड़ी बात नहीं। वेद जिस समय लिखे गए हैं उस समय फिर भी सात्विकता थी शास्त्रों में, उनमें सच्चाई है, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन लगातार गलत होता चला गया। इंटरप्रिटेशन करने वाले बाद में जो भी आए विद्वान पंडित आचार्य वो सब विकारी होते गए, और विकारों के कारण उनकी व्याख्या गलत हो गई। शास्त्रों का सार और शास्त्रों की सही अर्थ परमात्मा बाप ही आकर के बताता है, वो अभी बता रहा है। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वो वास्तव में कोई पुस्तकें नहीं निकल पड़ी, ब्रह्मा के मुख में परमात्मा से ही प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके जो कुछ बोलते हैं वो ही वेदवाणी, तो हम लोग मुरली कहते हैं। परंतु उस मुरली के अर्थ को कोई, उसका अर्थ क्या है, उसका निचोड़ क्या है, उसका मतलब क्या है, नई दुनिया कैसे बनेगी, पुरानी दुनिया कैसे विनाश होगी, ये उसका अर्थ कोई लगाए नहीं सकता सिवाय भगवान बाप आकर के उन मुरलियों का जब तक टीचर बनकर के अर्थ न समझा दे। और अर्थ समझाने के बावजूद भी जब तक वही भगवान बाप सदगुरु के रूप में सदगति न करे तब तक सदगति भी किसी की नहीं हो सकती। और सारी दुनिया को आखिरीन तो भगवान बाप को पहचानना ही है, क्योंकि नंबर वार स्वर्ग का वर्षा तो सबको मिलेगा। एक जन्म लेने वाली आत्मा होगी उसको स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलेगा क्या? स्थिति का वर्षा नहीं मिलेगा? परमधाम नहीं जाएगी? जाएगी ना, तो जब परमधाम से उतरेगी पहली बार तो स्वर्ग का अनुभव करेगी, फिर संघ के रंग में आकर के फिर तो समोपदान बनती है आत्मा। सैटेलाइट ऊपर से गिरने वाला है जहाँ अमेरिका पर गिरेगा। हाँ, अमेरिका वाले डर रहे हैं,
पत्थर जैसा है वो लोग बोलते हैं ये गिरेंगे तो कुछ नहीं होगा, गिरेंगे तो अमेरिका के लोग जब इस तरफ भारत के तरफ पहले भी तो ऐसे हुआ था गिरने वाला था फिर समंदर में गिर गया। दो दिन से कभी भगत बेहद का आते हैं, कभी बेहद का आते मतलब इतना कुछ डरना होगा। मनुष्यों ने ही बनाया और मनुष्यों के कंट्रोल से बाहर हो गया। मनुष्यों ने जो बनाया प्लेनेट और वो बाद में मनुष्यों के कंट्रोल से बाहर हो गया, अब पृथ्वी उसको खींच रही है, आकर्षित कर रही है तेजी से, तो मनुष्य ही डरेगा। अपनी बनाई हुई रचना से मनुष्य अगर डरने लगे तो क्या बड़ी बात है। मनुष्य जो कुछ भी कर रहा है उल्टा ही उल्टा कर रहा है। मनमत के आधार पर जो भी काम किए जाते हैं उनका आखिरी रिजल्ट जो है वो ध्वस्त होगा, प्राप्ति नहीं होगी। नौ रत्न माने जाते हैं, नौ रत्न है, ऐसे ही अष्टदेव भी माने जाते हैं। उनमें एक नॉन वैल्यूबल है वो जोड़ करके नौ हो जाते हैं, दोनों को मिला के 18 हो जाते हैं। गीता के भी 18 अध्याय बताए जाते हैं, 18 महारथी हुए महाभारत के। अठारह की जो संख्या है वो आठ से जुड़ी हुई है। अष्टदेव और उनकी अष्टदेवी है। नौवां जो नॉन वैल्यूबल है वो और उसकी सहयोगिनी शक्ति, ये टोटल मिलाकर के 18 आत्माएं होती है। ये विलक्षण गिनती है, ज्योतिषियों ने इसका बड़ा लंबा चौड़ा रहस्य निकाला है। तो मुरली वृत्तवाणी में भी बोला हुआ है, अठारह की विशेष महिमा नहीं महाभारी महाभारत युद्ध के 18 महारथी। कौरव पक्ष से भी है और पांडव पक्ष से भी है। धर्मों की संख्या भी 9 है और उन धर्मों के सहयोगी धर्म भी है, तो भी 18 हो जाते हैं। 18 पुराण है, मालूम नहीं कौन सी है। मैंने पांच का 15 हो जाता है। पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, ये 10 इंद्रियां हुई। पांच प्रकृति के तत्व तो, हाँ मनोबुद्धि संस्कार, ये तो आत्मा का आत्मा की शक्तियों का नाम है।
और कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया ये अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया, पांच तत्व, फिर पांच विकार कहाँ चले जाएंगे? रावण के दस सिर दिखाते हैं, उन दस सिरों में पांच विकार हैं और पांच तत्व हैं। जो विकृति है वो आत्मा में भी आती है और आत्मा में आने के कारण फिर पांच तत्वों में भी विकृति आती है। आत्मा जब सुधर जाती है तो आत्मा के वाइब्रेशन से पांच तत्व भी सुधर जाते हैं। ये आपस में क्लियर मत कर लो, सबको फायदा होने दो। एक मनुष्य बैठा हुआ है वो तो हर एक ग्रह में एक मनुष्य बैठा हुआ है मुखिया बन के। वो जड़ ग्रह है, उस जड़ को चलाने वाला कोई न कोई एक मुखिया तो है आत्मा। अकेले मंगल की बात थोड़ी है, वो सूर्य जड़ है, उस जड़ सूर्य का संचालन करने वाली कोई एक मुख्य आत्मा है जिसे चैतन्य सूर्य कहा जाता है, ज्ञान सूर्य कहा जाता है। ऐसे ही गुरु है बृहस्पति, वो जड़ है तो चलाने वाला कोई चैतन्य है, मुखिया है। ये मंगल की बात हो रही है, बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जितने भी सितारे आसमान में दिखाई पड़ रहे हैं वो सब हैं जड़ सितारे आसमान के, और तुम बच्चे हो धरती के चैतन्य सितारे। एक एक सितारे के मुखिया से संचालन करने वाली आत्मा यहाँ बैठी हुई है। ऊपर जो कुल कुल सितारे होते हैं इकट्ठा गुच्छे के गुच्छे होते हैं, यहाँ भी धरती के चैतन्य सितारों में कोई ऐसे आत्माएं हैं जो इकट्ठी होकर के ही रहती है हर जन्म जन्मांतर, बिखरती नहीं। वो आपस में नजदीक रहेंगी, न सूर्य के नजदीक जाएंगी, न बृहस्पति के नजदीक जाएंगी, न मंगल के नजदीक जाएंगी। ब्राह्मण परिवार की संख्या कितनी है? साढ़े चार लाख शरीर सहित, साढ़े चार लाख उनमें जो प्रवेश है वो ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मा की औलाद नहीं बनते। 9 लाख संख्या हुई, वो 16 लाख संपूर्ण देवताएं बनते हैं, उससे पहले वो क्या थे? देवता बनने से पहले वो आत्माएं क्या थी? ब्राह्मण थी। तो 9,16,108 ब्राह्मण भी तो यही बनते हैं। हाँ तो उनके लिए क्या माउंट आबू में कंचन काया बनने के लिए माउंट आबू में नहीं रहते हैं। माउंट आबू में रहते हैं अपनी आत्मा की परीक्षण करने के लिए। अकेले रहकर के जो पुरुषार्थ किया जाता है, संसार के बीच में रहकर के जो पुरुषार्थ किया जाता है उसमें माया ज्यादा इंटरफियर करती है, और संगठित होकर के संगठन के अंदर रह करके जो पुरुषार्थ किया जाता है उसमें माया उतना इंटरफियर
नहीं कर पाते हैं। तो अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिन बच्चों को बाबा ने चुना है, वो बच्चे संन्यास मार्ग वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले? एडवांस में किन बच्चों को चुना है? प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चों को चुना है ना। तो प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चे अभी दुनिया में बिखरे हुए हैं या उनको संगठन मिल रहा है? बिखरे हुए हैं, इसलिए माया का असर उनके ऊपर ज्यादा होता है। आप खड़े क्यों? आप आगे बैठ जाइए। तो जो बिखरी हुई आत्माएं हैं, उनमें उतनी अभी शक्ति नहीं आ रही है। शक्ति कब आएगी? ये नियम है, संघहु शक्ति कलौ युगे। कलयुग में भगवान भी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। कौन सी शक्ति कार्य करेगी? संगठन की शक्ति कार्य करेगी। और संगठन जो होता है, यूनिटी जो होती है, वो प्योरिटी से ही आती है। प्योरिटी लाने के लिए वैराग्य बहुत जरूरी है। क्या? मन बुद्धि रूपी आत्मा जितनी देह और देह के संबंधियों और देह के पदार्थों में रागवान होती जाती है, रागी लिंपायमन, उतनी ज्यादा बिगड़ती है, पतित बनती है। और जितना मन बुद्धि रूपी आत्मा विराग वैरागी बनेगी, विपरीत राग वाली, विपरीत स्नेही, देह देह के संबंध देह के पदार्थों से जितनी ही दूर रहेगी मन बुद्धि रूपी आत्मा, उतनी ही पवित्र बनेगी। अभी क्या हाल है? हम चाहते हैं जहां तक मैं बाबा की याद रहे, तो क्या होता है? बार बार प्रयत्न करते हैं बाबा की याद रहे, लेकिन रहती है? क्यों नहीं रहती? क्योंकि दुनिया का जो वाइब्रेशन है, वो संगठित वाइब्रेशन हमारे ऊपर पूरा असर कर रहा है। ये वो वैराग्य की भावना जगेगी, दुनिया के चारों तरफ से थपेड़े लगेंगे, थू 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 दुनिया करे, दुनिया की ग्लानी सहन करनी पड़े, तो दुनिया से वैराग आएगा कि राग आएगा? है? दुनिया से वैराग आ जाएगा। क्यों वैराग आ जाएगा? कि अंदर से हम समझते हैं हम तो सच्चे रास्ते पर हैं। फिर दुनिया भक्ति मार्ग के अंधविश्वास अंधश्रद्धा के रास्तों पर चल रही है और हमको फिर भी ठुकरा रही है। दुनियावी लोग दुनियावी बातों के आधार पर दुनिया का सपोर्ट करके चल रहे हैं, भगवान को नहीं पहचानते हैं, क्योंकि भगवान तो गुप्त है, भगवान कोई शरीरधारी तो है नहीं, भगवान भी हमारी तरह आत्मा ही तो है, उसको अपना शरीर नहीं होता और हमको अपना शरीर है। तो लोग हमको तो पहचानते हैं लेकिन भगवान को पहचान नहीं सकते। जब चारों तरफ से मार पड़ेगी, बौछार पड़ेगी, तो उस दुनिया से वैराग आएगा या नहीं आएगा? आएगा। इसलिए अभ्यतवाणी ने क्लियर कर दिया, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला ही छोड़नी पड़ेगी। ऐसी क्या बात हो जाएगी? कुछ बात होगी ना, छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, फिर ये दुनिया अच्छी लगेगी? अच्छी नहीं लगेगी। असली वैराग जब तक पैदा नहीं हुआ है, तब तक ज्ञान भी पैदा नहीं होता।
ज्ञान बोलना बोलना, सुनाना सुनना, समझना समझाना, ये अलग बात होती है। वो रावण भी करता था क्या? रावण को प्रकांड विद्वान कहा जाता था, शास्त्र में कहा जाता है, लेकिन कर्म कैसे थे? है? चोरी चकारी जबरदस्ती, ये रावण के कर्म थे। मैंने प्रैक्टिकल ज्ञान की धारणा नहीं थी। तो ऐसे ही है, ज्ञान सुनना सुनाना, ज्ञान को समझना समझाना अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारण की ज्ञान की धारणा दिखाई दे वो तब होगी जब इस दुनिया से वैराग आएगा, वैराग आएगा। देह देह के संबंध, देह के पदार्थ, उनके विपरीत राग हो जाए, विराग, उनसे प्यार खत्म हो जाए। अभी तो बार बार बुद्धि उसी तरफ आकर्षित होती है। भले ईश्वरीय ज्ञान कितना भी पक्का कराता है, ऐसा भी समय आएगा इस दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आवेगा। बाप बाप नहीं रहेगा, बेटा बेटा नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी। ऐसे ऐसे स्वभाव संस्कार की विपरीत चलने वाली आत्माएं स्पष्ट नजर में आएंगी और एक दूसरे से निभाए नहीं सकेंगे। ऐसे समय में भगवान भी नजर आएगा। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अभी हम सिर्फ मुख से कहते हैं, क्या क्या कहते हैं? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में क्या नजर आता है लोगों को, और हम भी क्या अनुभव करते हैं? है? क्या अनुभव करते हैं? तन की शक्तियां, मन की शक्तियां, धन की शक्तियां, ये भी हमारे पास मौजूद हैं, उन सबको त्याग करके क्या हम भगवान की तरफ मुड़ गए हैं? मुड़ गए? नहीं मुड़ गए। बोला हुआ है वेद के अर्थ भी है, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, अध का मधुबन भी है और फिर वेद का मधुबन भी है। अध का मधुबन कौन सा है? अध के ब्राह्मणों के लिए वो कौन सा है? हैं? माउंट आबू, उनको वो छोड़ना पड़ेगा। और वेद का मधुबन कौन सा है? वेद का मधुबन कौन सा है? जहाँ मधुसूदन कार्य कर रहा हो, जहाँ वेद की मिठास वृत्ति हो और वेद की वैराग वृत्ति हो, वो वेद का मधुबन है। तो मधुबन में जो वास करने वाले हैं, चाहे हद का हो चाहे बेहद का हो, उनको मधुबन छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही ज्ञान सरोवर, ये हद का ज्ञान सरोवर भी है, वो कहाँ है? माउंट आबू में ईंटों का बनाई दिया है, वहाँ ज्ञान है, है? ज्ञान है क्या? नाम ही रख दिया ज्ञान सरोवर, तो नाम रखा हुआ है वो हद का हुआ, और बेहद का ज्ञान सरोवर जिनकी बुद्धि में ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता रहता है और आपस में संगठित भी है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार,
वो ज्ञान का स्वरूप है। मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में रहने वाली आत्माएं, नंबर वार देह और देह की दुनिया से परे हैं, लेकिन है नंबर वार देहद के ज्ञान सरोवर वाले हैं, उनको वो छोड़ना पड़ेगा। हो गया ज्ञान कितना था तो क्या रह जाएगा से तो? एक शिव बाबा और दूसरा रुपये, तब ट्रंकाल आएगा। चलो जैसे यज्ञ के आदि में भी ट्रंकाल आया था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और सात सात सालों के अंदर आत्माओं को रखा गया था, उस समय बहुतों को ट्रंकाल आया, वो इधर उधर बिखर के नहीं भाग गए, कहाँ पहुंच गए हैं? ठिकाने पे पहुंच गए, 9 लाख ही ठिकाने पहुंचेंगे या कम ज्यादा ठिकाने में पहुंचेंगे? 16,000 ही पहुंचेंगे, यही था ना, कितने पहुंचेंगे? पढ़ाई राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले, सहज राजयोग सीखने वाले, जो गीता ज्ञान में सहज राजयोग सिखाया गया है, वो सीखने वाले कितने हैं? 9 लाख राजयोग सीखने वाले, वो राजयोग सीखने वाले राजघराने में जन्म लेते हैं, 9 लाख जन्म जन्मांतर जो राजाओं की लिस्ट बनी है हिस्ट्री में, उनकी संख्या ही है 16,108। सोलह हजार एक सौ आठ आत्माओं का तो निश्चित ही है क्या? उनको ठिकाना तो मिलेगा ही, लेकिन बाकी है? बाकी जो प्रजावर्ग में जाने वाले हैं वो नहीं पहुंचेंगे, प्रजावर्ग को कहाँ राजाई मिलती है? जिन्होंने राजयोग सीखा होगा वही राजाएं बनेंगे, जिन्होंने राजयोग भगवान बाप से सीखा नहीं वो राजाएं कैसे बनेंगे? दुनिया में कोई ऐसा हिस्ट्री में ऐसा स्कूल कॉलेज खुला है जहाँ राजाई की शिक्षा दी जाती हो? जब शिक्षा ही नहीं दी गई हिस्ट्री में तो राजाएं कैसे बनेंगे? डॉक्टर बनने की शिक्षा दी जा रही है, मास्टर बनने की शिक्षा दी जा रही है, इंजीनियर बनने की शिक्षा दी जा रही है, मैकेनिक बनने की शिक्षा दी जा रही है, राजा बनने की शिक्षा कहीं नहीं किसी ने नहीं दी। वो तो गीता में गायन है कि भगवान जब आए तो उन्होंने राजयोग सिखाया और राजयोग से राजा की शिक्षा दी, वो राजा ही सेवा है भगवान बाप के, और आत्मा में वो संस्कार कोई भरता ही नहीं। नहीं तो हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े छोटे छोटे राजाएं हुए, इनको राजाई करना किसने सिखाया? कब सिखाया? किसी ने तो सिखाया होगा। लौकिक बाप होते हैं उनका हद का वर्षा होता है, लौकिक टीचर होते हैं उनका हद का वर्षा होता है, गुरु होते हैं उनका हद की प्राप्ति होती है। ये तो बेहद का बाप है, सुप्रीम सोल, बेहद का टीचर है, सुप्रीम टीचर, उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं दुनिया में। वो सबको पढ़ाई पढ़ावेगा लेकिन उसको कोई नहीं समझा सकता। क्या समझा सकता? बेसिक नॉलेज में भी है तो बड़े बड़े समझे जाते हैं, विद्वान है, एडवांस नॉलेज में भी बड़े बड़े होशियार हैं, ढेर सारी पार्टियां निकाल करके बैठे हैं,
मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इतनी किसी में दम है? ये आमने सामने बैठ करके समझाए, पढ़ाई पढ़ाए। अरे ये भी एक पहचान है भगवान बाप की, क्या वो सबको पढ़ाई पढ़ाने वाला है आगे पीछे, आज नहीं तो कल, लेकिन उसको कोई पढ़ाई पढ़ाए नहीं सकता। चले पहुंचेंगे माउंट आबू, यही आपका प्रश्न था ना, है कितने पहुंचेंगे? आपके पास ही बैठे हो, कह रहे हैं 16,108, आप कह रहे हैं 9,00,000, ये क्या बात हो गई? वो कह रहे हैं राजयोग सीखने वाले ही वहाँ पहुँचेंगे, आप कह रहे हैं नहीं प्रजापति आत्माएं भी पहुँचेंगी। आपके आर्य समाज ही प्रजापरस्त तो नहीं है? है वोट तो नहीं इकट्ठे कर रहे ढेर के ढेर? साढ़े 4,00,000 तो शरीरधारी होंगे जो नई सृष्टि को जन्म देने वाले हैं, और 4,50,000 जन्म लेने वाले होंगे, पूरे पेट से गर्भ से जन्म लेंगे। टोटल मिला के 9,00,000 आत्माएं हैं जो 9,00,000 सितारे आसमान में गाए जाते हैं। सारी दुनिया में जब पूर्व जोर से अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा ही अंधकार ही अंधकार होगा, उस समय वो 9,00,000 आत्माएं रोशनी मारेंगी, रोशनी फेंकेंगी ईश्वरीय ज्ञान सूर्य की रोशनी चारों तरफ फेंकेंगे। बाकी 550 करोड़ साहब, 700 करोड़ साहब अंधकार में होंगे। नौलाक है ज्ञान सूर्य की किरण, है सभी 16 कला संपूर्ण बनने वाली। प्रश्न आपका तो ये है कि माउंट आबू में कितने लोग जाएंगे? है दो पार्टियों में किसको विजय बनाओगे भाई? है एक पार्टी सबको ले जाना चाहती है, एक पार्टी कहती नहीं, जो राजयोग सीखने वाले हैं वो ही जाएंगे, जो राजा रानी बनने वाली आत्मा है वो ही जानी चाहिए, प्रजावर्ग की आत्माओं को नहीं जाना चाहिए। माउंट आबू में जाकर के कितने ठिकाने लेंगे? इनका प्रश्न ये है कि माउंट आबू में जाकर के कितना ठिकाने लेंगे, कितने वहाँ जाकर के संगठित याद में बैठेंगे तपस्या करेंगे? कितने बैठ करके अपनी आत्मा को कुंचन बनाएंगे? शरीर तो कुंचन बनने वाले है नहीं जब तक टोटल विनाश दुनिया का ना हो। अरे किसको वोट देंगे? अभी तो प्रजातंत्र राज्य चल रहा है, अभी कोई राजा का राज्य तो नहीं चल रहा है, है? अच्छा गोपी भाई को वोट देने वाले कितने लोग हैं? गोपी भाई कहते हैं कि 9,00,000 जाने, वो कितने 16,000 जाने चाहिए, और रामचंद्र भाई कहते हैं 16,000 नहीं 9,00,000 भी जाने चाहिए, राजा वर्ग की और प्रजा वर्ग की सभी आत्माएं जानी चाहिए। गोपी भाई को वोट कौन कौन दे रहा है? 2, 3, एक दूसरे को देख देख करके हाथ उठा रहे हैं, 3, 4, 5, 1, 7, 8, 9, चलो 9 तो निकले। अच्छा और बाकी रामचंद्र भाई को सारे वोट दे रहे हैं? मान लिया, अच्छा हाथ उठाओ तब मान लेते। रामचंद्र भाई को वोट कौन कौन दे रहा है? सारे चार तो
जब साढ़े चार जाएंगे तो उनमें प्रवेश करने वाले नहीं जाएंगे वहां, क्या ऊपर बैठ जाएंगे? अरे वहाँ स्थूल पेट से जन्म लेंगे तो यहाँ तो बुद्धरूप पेट में रहेंगे ना, और छोड़ देंगे क्या? रामचंद्र भाई कह रहे हैं नहीं, 9 लाख जाने चाहिए। बहुत हाथ उठाओ, किसने किसने हाथ उठा रहे? एक माना, बाकी फैसला ही नहीं कर पा रहे। बाबा जो बोलेंगे वो। हाँ ये कोई बात, ये तो भक्तों की बात हो गई। भक्त बुद्धि थोड़े ही बाबा बनाते हैं, फैसला करो राइट क्या है, रंग क्या है, ये तो फिर वो बात हो गई। जैसे दुनिया में भक्त लोग करते हैं, जैसे सब चलेंगे वैसे हम चलेंगे। अच्छा अध्यक्षवाणी में बाबा ने ये बोला हुआ है, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। बोला है कि नहीं चलेगा? बोला है? परिवार के जो भी भाती है वो सब ज्ञान में चलेंगे। इसके लिए बोला, बीके वालों को बोला कि पीवी के वालों को बोला है, जो एडवांस में है उनके लिए स्पेशल बात बोली गई है, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। क्या मतलब हुआ ज्ञान में चलेगा का मतलब क्या हुआ? वो परिवार के भांति बनेंगे या नहीं बनेंगे? जो भी राजयोग सीखने वाले हैं उन 16,000 राजयोगियों के घर के भांति बनेंगे या नहीं बनेंगे? यथा राजा तथा प्रजा की लिस्ट में आवेंगे या नहीं आवेंगे? आवेंगे। जब भांति बन गए परिवार के, तो नाव उठ रही है, लंगर उठ रहा है, जहाज जा रहा है पार। ये दुनिया है विषय सागर, और विषय सागर से पार क्षीर सागर में जहाज जा रहा है, तो अपने भांतियों को कोई छोड़ देता है क्या? या भांति पल्ला छोड़ देंगे? छोड़ देंगे? हाँ, नीचे वाले वो भांति नहीं कहेंगे, परिवार के सदस्य नहीं कहेंगे। क्यों है? हाँ, एक तो पहचाना नहीं, पहचाना तो यहाँ लोग संबंधियों ने भी नहीं पहचाना। जो हो एडवांस के ज्ञान में चलने वाले लौकिक परिवार के सदस्य हैं वो पहचान रहे हैं, वो भी नहीं पहचान रहे, विरोध कर रहे हैं लगातार। लेकिन विरोध करने के सक्रिय बावजूद भी घर में से कान पकड़ के बाहर तो नहीं निकाल रहे, घर के अंदर रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? बोलो। और वो जो अलौकिक परिवार ब्राह्मण परिवार वाले वो क्या कर रहे हैं? यहाँ जितने बैठे हुए हैं उन सबको कान पकड़ के बाहर कर देते हैं, या तो फिर सेवा ही न करो उनके सामने, ईश्वरीय सेवा करो तो निकलो, 103 गेट आउट। तो जिनमें इतनी ही सहन शक्ति नहीं है वो देवता कैसे बनेंगे? अपने घर परिवार वालों को भी सहन करने की शक्ति नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है, उनकी बात सुनने की शक्ति नहीं है, उनके साथ बैठ के खाना सोना ये उन्हें अंदर ये सहनशीलता ही नहीं, उनको सहनशील देवता कहेंगे? हैं? देवताओं का मुख्य गुण कौन सा है? सहनशीलता। तो इससे साबित हो जाता है वो तो विधर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगी जन्म जन्मांतर द्वापर युग से तिरसठ जन्मों में। ये कन्वर्ट होने वाले भारतवासी आत्माएं हैं जिन्होंने भारत को धोखा दिया है दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो करके। और जो सहन करने वाले हैं, भले विरोध कर रहे हैं, बाधा से विरोध कर रहे हैं, दिल से विरोध है, दिल से विरोध कर रहे हैं, दिल से विरोध नहीं कर रहे, तो वो हमारे अपने हैं। इसलिए वो माउंट आबू में नहीं जाने चाहिए। क्यों? जब दुनिया में धुआंधार एटम बमों का विनाश हो रहा हो उस समय उनको
कैरेक्टर नहीं मिलना चाहिए भगवान का है? बताओ कौन कौन कहेगा सेंटर नहीं मिलना चाहिए, उठाओ गोपी भाई हाथ है? बाद में पहुंचे पहले पहुंचे, सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो भूला हुआ कहता है? कहते सुबह का भूला हुआ और शाम को घर पहुंच जाए तो उसको कहेंगे भूला हुआ? नहीं, गलती को सुधार लिया तो भूला हुआ कहेगा। जब दुनिया में भगवान के प्रत्यक्षता की आवाज निकलेगी तो उस आवाज को जो लौकिक घर के भांति है, अखबारों में आवाज निकलेगी, टीवी में आवाज निकलेगी, रेडियो में आवाज निकलेगी, घर परिवार में मोहल्ले मोहल्ले में वही बातें चल रही होंगी, घर घर में वही सत्यनारायण की कथा हो रही होगी। ये कथा तो यादगार है भक्ति मार्ग की, लेकिन प्रैक्टिकल में भी कभी कथा हुई होगी सच्ची? एक की ही शक्ति कथा है, एक ही दुनिया में पूरा सत्य होता है 100%, बाकी सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं है क्या? वो भी कुछ न कुछ ज्ञान का विरोध करती है, सत्य का विरोध करती है, ये उसकी भी कथा नहीं है। तो जो एक सच्चा और बाकी सारी दुनिया झूठी, तो सच्चे को मुकाबला तो करना पड़ता है झूठों के साथ, उसकी कथा घर घर में नहीं गाई जाती है, जरूर गाई जाती है। ऐसा जब समय आवेगा उस समय जो घर के भांति होंगे वो भगवान बाप को नहीं मानेंगे, मानेंगे और ही खुश होंगे कि देखो हमारे परिवार के अंदर ऐसा खून भी है जो भगवान बाप के इतने नजदीक है। इसलिए मुरली में बोला है माउंट आबू जो है सारा माउंट आबू खरीद करना पड़ेगा क्या? अभी जो बीके हैं वो तो अंत मात्र पर भी नहीं रह रहे हैं, क्या होगा? वो ऐसा तीर्थ स्थान है दुनिया का, इसकी महिमा तुम बच्चों ने जानी, सारी दुनिया नहीं जानेगी, ना उस जमीन की कीमत लगाएगी, वो बैंकों में जमा करते रहेंगे, पोस्ट ऑफिस में जमा करते रहेंगे क्या, कंपनियों में पैसा लगाते रहेंगे, बड़े बड़े धंधे धोरियों में पैसा लगाते रहेंगे, बड़ी बड़ी मिले बनाने में पैसा लगाते रहेंगे, मल्टी स्टोरी बनाने में पैसा लगाते रहेंगे। माउंट आबू का उनको महत्व बुद्धि भी नहीं बैठेगा। सारा माउंट आबू खरीद करने की बात बाबा ने क्यों की? कोई कारण होगा, क्या कारण है? हाँ, 9 लाख आत्माओं को रहने के लिए स्थान तो चाहिए ना, स्थान भी चाहिए, फिर उनको खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए, भले योगियों की भूख कम हो जाती है फिर भी तो कुछ चाहिए ना। ये बोला तुम बच्चे यहाँ माउंट आबू में बैठे बैठे टीवी में सारा देखते रहेंगे, दुनिया में कैसे विनाश हो रहा है, एटम बम फटते रहेंगे, एक एक शहर करके बर्बाद होते रहेंगे, और तुम टीवी में बैठे बैठे देखते रहेंगे। जन्म कभी बच्चा साकार कृष्ण की सिर्फ आत्मा ही तत्व प्रधान होगी
या शरीर भी सत्व प्रधान होगा। शरीर और शरीर के पांच तत्व भी सत्व प्रधान होंगे या सिर्फ आत्मा ही सत्व प्रधान होगी? शरीर के पांच तत्व भी तो सत्व प्रधान होंगे। शरीर के जो पांच तत्व है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। जो संगम युग है 100 साल का गाया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग, वो सन 36 से पहले ही खत्म हो जाएगा या सन 36 तक चलेगा या सन 36 के बाद भी चलेगा? जिसका नाम रखा गया पुरुषोत्तम संगम युग। जवाब दो जल्दी जल्दी, 36 तक क्यों चलेगा? इसलिए चलेगा कि जो भी पुरुषार्थ करने वाली पुरुषोत्तम आत्माएं हैं, नंबर वार वो 9 लाख है जो भगवान बाप के बच्चे बनते हैं, कम से कम बाप की प्रजा तो बनते हैं, उनके शरीर सत्व प्रधान बन जावेंगे या उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा सत्व प्रधान बनेगी ज्ञान से? 36 तक क्या परिवर्तन होगा? शरीरों का, पांच तत्वों का परिवर्तन होगा या आत्मा का परिवर्तन होगा? आत्मा का परिवर्तन होगा। जब तक ये 500-700 करोड़ की तमो प्रधान दुनिया, जो तमो प्रधान दुनिया 500-700 करोड़ की है, वो तमो प्रधान वाइब्रेशन फैलाने वाली है, गंदे गंदे वाइब्रेशन फैलाने वाली है, वो जब तक नष्ट नहीं होगी चैतन्य मनुष्यों की दुनिया, तब तक दुनिया के वाइब्रेशन सुधरने वाले नहीं है। और जब वाइब्रेशन ही नहीं सुधरेंगे तो 5 जड़ तत्व तो दुनिया के सुधरेंगे क्या? वो ज्ञान सुनते हैं क्या? अरे ज्ञान से चैतन्य मनुष्य आत्माएं चेंज होंगी या जड़ प्रकृति के 5 तत्व चेंज हो जाएंगे? चैतन्य आत्मा ही चेंज होती है और चेंज होकर के पुरुषों में उत्तम बनती है, उत्तम बनने का पाठ बजाती है। इसलिए 100 साल का पुरुषोत्तम संगम युग है। किसके लिए? आत्माओं के लिए या 5 जड़ तत्वों के लिए? आत्मा। आपका जवाब मिला? नहीं मिला। अरे ये क्या बात हुई? अरे कृष्ण को सिर्फ आत्मा ही जन्म लेगी सतयुग में या शरीर के साथ 5 तत्वों के साथ जन्म लेगा? तो शरीर के 5 तत्व उसके सत्व प्रधान होंगे या सिर्फ आत्मा ही सत्व प्रधान होंगे? दोनों सत्व प्रधान होंगे। तो दोनों सन 36 के बाद कैसे होंगे सत्व प्रधान? सन 36 के पहले सत्व प्रधान बन जाएंगे। सन 36 से पहले 5 तत्व सत्व प्रधान बन जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रकृति जो है वो ज्ञान से सुधरने वाली नहीं है। प्रकृति जड़ है या चैतन्य है? जड़ प्रकृति जो है वो ज्ञान से उसका सुधार नहीं होगा। प्रकृति माता कही जाती है। अबे तुम्हारी बोला प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई, तो जड़त्वमयी है या चैतन्य बुद्धि है? ऐसी जड़त्वमयी है जिसके लिए मुरली में बोला है, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। कोई कहे अरे साथ रहने की क्या, थोड़ा बहुत साथ किया होगा? अरे थोड़ा बहुत साथ नहीं, इतना साथ किया, इतना मिलन मेला मनाया कि जितना दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा मिलन मेला नहीं मना सकती। और उसकी यादगार भक्ति मार्ग में चलती है देवी का मेला। सबसे बड़ा मेला किसका लगता है? कोई देवता का लगता है कि देवी का लगता है? देवी का लगता है।
इतना बड़ा मेला अमरनाथ पर भी नहीं लगता, काशी विश्वनाथ पर भी नहीं लगता, दक्षिण भारत में रामेश्वरम में भी नहीं लगता, तिरुपति में भी नहीं लगता। जितना बड़ा मेला देवी का मेला लगता है, इतना मिलन मेले की यादगार है। लेकिन भगवान के साथ मिल करके तो रही, लेकिन भगवान को पूरा पहचाना नहीं। जड़ बुद्धि होने के कारण नहीं पहचाना, या चैतन्य बुद्धि होने के कारण नहीं पहचाना? इसका प्रूफ क्या कि नहीं पहचाना? कोई प्रूफ होना चाहिए ना, क्या प्रूफ है? छोड़ के चले जाए, छोड़ के चले जाने की भली बात बताई। भगवान के लिए तो गायन है क्या? क्या गायन है? पूरी जगन्नाथ। हाँ, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो ये गायन है कि उनकी सब भुजाएं कट गई। क्या भगवान का सहयोगी कोई नहीं बचा? एक तरफ एक विष्णु भगवान और दूसरी तरफ सारी दुनिया, सारी दुनिया एक तरफ और एक भगवान बाप दूसरी तरफ। जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है कविता अकेला चलो रे, कोई तेरा साथ न दे तो तू अकेला चलो रे, नहीं तो मालाओं के नंबर बार जो मणके हैं वो नंबर बार क्लियर कैसे होंगे? एक आत्मा एक तरफ हो जाती है और सारी दुनिया दूसरी तरफ होकर के संसार के साथ विरोधी बनकर के पार्ट बजा लेती है। हाँ? तो साथ होते नहीं, इनका प्रश्न अभी प्रसंगांतर न करो। प्रश्न ये है कि वो साथ छोड़ देती है भगवान का, जो जो देवी है, प्रकृति माता है, जगदम्बा है, महाकाली है, वो महाकाली है तो महाकाल की पत्नी, लेकिन महाकाल का साथ छोड़ करके उसकी इतनी ग्लानी करने को उतारू हो जाती है कि उसकी छाती पर पांव भी रखने के लिए तैयार रख देती है। तो साथ छोड़ने की बात छोड़ो, ये कोई बड़ी बात नहीं। क्या है बच्चों के लिए भी ऐसा परिचय आएगा क्या? बाबा सब छोड़ देते हैं, ऐसे बच्चों को भी सब छोड़ देंगे? तो वो तो रोज ज्ञान में समझाते हैं तुम्हारा कोई नहीं रहेगा, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अरे सारी दुनिया को बैराग कब आएगा? जब ऐसी स्थितियां परिस्थितियां संसार में पैदा हो जाए और प्रैक्टिकल में देखें कि मेरा साथ देने वाला सिवाय भगवान के कोई नहीं है, तो ये कोई नई बात है क्या? तो ज्ञान में कितने लंबे समय से शिव बाबा ये ज्ञान दे रहे हैं, ये पक्का करो अभी से, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। क्या अपना समझे बैठे दो चार पक्का दो चार आत्मों को? तो साथ न निभाना ये कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, आदि से अंत तक साथ निभाने में नंबर वार तो हो ही जाएंगे। विष्णु को भुजाएं दिखाई जाती है सहयोगी, शंकर को भुजाएं नहीं दिखाते, वो पार्टी ऐसा विलक्षण है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। नहीं समझते हैं तो साथ छोड़ देते हैं, कोई थोड़ा साथ निभाते हैं, कोई लंबे समय तक साथ निभाते हैं। तो साथ निभाने वालों की लिस्ट में वो प्रकृति माता बहुत साथ निभाया, साथ निभाने की बात नहीं है, कोई और बात है।
जो भगवान बाप को नहीं पहचान, ये कहा जाए विष्णु का भगवान, ये भी बात है। जब कृष्ण की आत्मा जो जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली है मूल रूप में वास्तविक रूप में, वो ही गीता के भगवान को नहीं पहचान सकती, तो कृष्ण की आत्मा जिस डब्बे में प्रवेश करेगी वो चैतन्य डब्बा कैसे पहचान लेगा, पहचान लेगा वो कैसे पहचान लेगा? डब्बा तो फिर भी जड़त्व में ही कुछ हो गई, कोई और बात है। मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते, कौन सी बात है? नहीं आ रही बुद्धि में किसी को? वो बात है कुछ बच्चे हैं जो पुष्करण ही ब्राह्मणों की लिस्ट में है, क्या अपनी स्वेच्छा से ज्ञान में नहीं चले हैं, और ज्ञान में चले हैं तो अपनी स्वेच्छा से सरेंडर नहीं हुए हैं, क्या उनको धक्का दिया, कुछ किया गया है, कुछ किया गया है तब सरेंडर हुए, भले अव्वल नंबर में सरेंडर हो गए। जो अद्वैतवाणी में दिया है बोला हुआ है, कन्यादान करने में पंजाब की धरणी सबसे आगे चली गई, क्या अव्वल नंबर ले लिया, कितने पंजाब की धरणी, क्यों? उत्तरासी चौरासी में ही क्यों बोला? तिरासी चौरासी से पहले कोई ब्रह्मा कुमारियों में कन्याएं सरेंडर नहीं हुई थी क्या? अरे सरेंडर हुई थी ना, तो वो अव्वल नंबर नहीं होनी चाहिए? जो कन्याएं बेसिक नॉलेज में तिरासी चौरासी से पहले सरेंडर हो गई थी, जैसे चंद्रमणि दादी है, चंद्रमणि दादी पहले ही नहीं सरेंडर हो गई थी, तो कन्यादान में पंजाब की धरणी उस समय ही आगे निकल गई, फिर तिरासी में बोलने की क्या जरूरत? नहीं तो चंद्रमणि दादी 13 नहीं हो गई? हाँ, जब ब्रह्मा ने ही बाप को नहीं पहचाना, संस्था का नाम रख दिया ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, अम्मा कुमारी विद्यालय, ये क्या बात हुई? अपनी भारत की परंपरा में तो कोई दुकान भी खोलते हैं, कोई संस्था खोलते हैं, कोई कंपनी खोलते हैं तो बाप का नाम आगे रखते हैं ना, तो ब्रह्मा ने अगर बाप को पहचाना होता तो बाप का नाम आगे होता ना, नाम ही रख दिया ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। तो ब्रह्मा ने ही पहचाना तो चंद्रमणि दादी कहां से पहचान लेंगे? तो एडवांस पार्टी जब निकलती है तो एडवांस पार्टी में कोई ऐसी कन्या निकलती है लंबे समय तक निभाने वाली, जो पहले पहले सरेंडर होती है, लेकिन पुष्करण ही ब्राह्मणों की जिस्म में है, क्या खुद अपनी ताकत से सरेंडर नहीं होती? कैसे होती है? दिल्ली की माताएं जो है वो जोर लगाती है और सरेंडर करती है, फिर उसे देख करके सारी सरेंडर हो जाती है। कोई कदम आगे बढ़ाता है तभी तो दूसरे कदम बढ़ाते हैं ढेर के ढेर, सबका एक एक जैसा भाग्य है। इसलिए बोला जो पहचानने वालों की लिस्ट है वो भी नंबर वार, मेरे साथ रहने वाले मेरे बाप को नहीं पहचान पाते, मेरे को नहीं पहचान पाते। और पहचानना क्या है? भगवान बाप के पार्ट को पहचानना माने यही तो पहचानना है, कहीं धोखा तो नहीं दे देगा, धोखेबाज तो नहीं है? आज की दुनिया में जितने भी गुरु लोग हैं वो क्या साबित हो गए? सब धोखेबाज साबित हो गए। कहते हैं अपन को शिवो हम,
अरे शिव भगवान है तो शिव भगवान किसी के साथ धोखेबाजी करेगा क्या? सबसे बड़ी धोखेबाजी तो यही करते हैं, भगवान को पहचानते नहीं और अपन को भगवान कहते हैं। हम तुमको रास्ता बता देंगे, खुद कोई रास्ता का पता नहीं, कहाँ जाना है, गति सदगति कैसे होनी है, ठेठ आने के बैठ जाते हैं, तो हमारे चेले बन जाओ, हम तुम्हारी सदगति करेंगे। गुरु मर जाते हैं, चेलों का सत्यानाश हो जाता है। गुरु जिनके अंधले चेला सत्यानाश, वो यहाँ ज्ञान में भी होता है क्या? वो तो भगवान बाप को पहचाना नहीं है, और फिर कंट्रोल कितनों को करते हैं है? दादी दादाएं जो बैठे हुए हैं यज्ञ में कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उन्होंने तो कुछ भी कंट्रोल नहीं किया, उनके मुकाबले वो जगदम्बा का पार्ट है, उसके लिए तो सिखों में गायन है राज करेगा खालसा, सारी दुनिया में कौन राज करेगा? खालसा राज करेगा। बहुत बड़े ब्राह्मण परिवार की पालना होने वाली है। चलो ठीक ठीक है, सब निकल रहे हैं।